कुतुबमीनार को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में चली करीब 1.25 घंटे की सुनवाई पूरी हो गई है और इस पर फैसला सुरक्षित 9 जून को सुनाया जाएगा। इस वक्त मैं कुतुब मीनार के बाहर मौजूद हूं और आपको बता दें कि करीब 1.25 घंटे तक जो बहस चली उसमें हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई और उसका जवाब जो एएसआई की तरफ से दिया गया है उन सब पर जज ने अब फैसला सुरक्षित कर लिया है। और हिंदू पक्ष की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई उसमें ये कहा गया कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर जिन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार के अंदर मस्जिद बनाया गया वहां पर पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए और इसके अलावा मंदिरों को फिर से तोड़कर बनाया जाए। हालांकि एएसआई की तरफ से जो बातें कही गई उसमें ये स्पष्ट किया गया कि कानून राष्ट्रीय स्मारक पर पूजा करने की इजाजत नहीं देता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। एएसआई की तरफ से भी जो दलीलें दी गई उसमें यह स्पष्ट किया गया है। और आपको बता दे हरिशंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में आज पेश हुए उन्होंने जो बातें कही उसमें ये कहा कि 800 हो या 8000 साल हो भगवान का अस्तित्व यानी भगवान जो है वो पहले थे आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इन 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 सब बातों को कहा गया है हिंदू पक्ष की तरफ से। एएसआई ने भी अपनी बातें जो है वो स्पष्ट की है राष्ट्रीय स्मारक कानून स्मारक का हवाला देते हुए। हालांकि जज की तरफ से दोनों पक्ष की बातें सुनी गई और फैसला सुरक्षित यानी 9 जून को ये तय होगा कि क्या यहाँ पर पूजा करने की इजाजत या इबादत करने की अनुमति मिल रही है या फिर पहले की तरह यहाँ पर जिस तरह एएसआई का कानून है वो सुरक्षित रहेगा। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ ऋषि एबीपी न्यूज दिल्ली। Thank you.